समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 7 ऑफ 7th क्लास सहायक वाचन। खेलों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 7 खेलों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें, जब कोई व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है, तब उसे किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तब उसे किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये प्रोत्साहन चाहे उपहार रूप में हो, नगद रूप में हो अथवा किसी सुविधा के रूप में हो, इसमें खिलाड़ी प्रोत्साहन होता है। ठीक है, पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ खेल के प्रति अन्य लोगों का आकर्षण बढ़ाना भी है। ठीक है, इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 2 फरवरी सन 2000 में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, 2 फरवरी सन 2000 से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएं की है। ठीक, खेल वृत्ति देख लेते हैं। यह खेल वृत्ति 19 वर्ष से कम वर्ष के स्वर्ण पदक विजेता को प्रदान की जाती है। ठीक है, यह खेल वृत्ति 19 वर्ष से कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता को प्रदान की जाती है। इस खेल वृत्ति में प्रत्येक खिलाड़ी को सम्मान राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, सम्मान विधि अब हम देख लेते हैं। सम्मान विधि मध्य प्रदेश के उस मूल निवासी खिलाड़ी को प्रदान की जाती है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। ठीक है, तथा कोई पदक जीता है जीता हो, इस निधि में खिलाड़ी को स्वीकृत सम्मान राशि जीवन पर्यंत दी जाती है। ठीक है, हम देख ले हैं विक्रम पुरस्कार देख लेते हैं। ठीक है, विक्रम पुरस्कार, यह पुरस्कार राज्य के ऐसे मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक वरिष्ठ वर्ग की राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, पुरस्कृत खिलाड़ियों को 20,000 रुपये नगद, ब्लेजर, प्रमाण पत्र तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। ठीक है, पुरस्कृत खिलाड़ी को 20,000 रुपये नगद, ब्लेजर, प्रमाण पत्र तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। एकलव्य पुरस्कार देख लेते हैं। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार, वर्ष 1994 से प्रारंभ एकलव्य पुरस्कार राज्य के मूल निवासी उस खिलाड़ी को दिया जाता है। जिसने विगत 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, पुरस्कार स्वरूप सम्मान राशि तथा अन्य सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, अब हम देखते हैं विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वा
मित्र पुरस्कार। ठीक है, यह पुरस्कार राज्य के ऐसे खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो। ठीक है, कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है हो तथा उन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक या 4 रजत पदक अथवा 6 कांस्य पदक जीते हैं। पुरस्कृत प्रशिक्षक को 20,000 रुपये नगद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। देखिए, 20,000 रुपये नगद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार। राज्य के ऐसे मूल निवासी खिलाड़ी जिसने सीनियर वर्ग किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य के ऐसे मूल निवासी खिलाड़ी जिसने सीनियर वर्गों किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक ग्राम किया हो, ठीक है, सॉरी पदक प्राप्त किया हो, उस स्वर्ण पदक विजेता को 2 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 लाख रुपए तक का कांस्य पदक विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। जूनियर वर्ग के ऐसे स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 1 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 75,000 रुपये एवं कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं खेल पंचायत। मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित खेल पंचायत में खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार आजीवन सम्मान निधि, प्रशिक्षण केंद्र, खेल किट, दुर्घटना बीमा आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित खेल पंचायत में खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार आजीवन सम्मान निधि, प्रशिक्षण केंद्र, खेल किट, दुर्घटना बीमा आदि का संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सुविधाएं एवं प्रशिक्षण। खेल कूद में एवं युवा कल्याण विभाग को स्थापना का उद्देश्य ही खिलाड़ियों के समय समय पर एवं आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित करना तथा उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस विभाग के मुख्य कार्य निम्न अनुसार है। ठीक है, इस सुविधा के उपलब्ध कराना है और इसमें मुख्य कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, प्रशिक्षण देखते हैं हम। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के सहयोग से भोपाल में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया गया है। ठीक है, भोपाल में प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया गया है। इसके अलावा जबलपुर, सागर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन में भी उप प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। ठीक है, जिनमें बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्रीड़ा प्रतियोगिताएं विकासखंड, जिला, संभाग तथा राज्य स्तर पर खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, कुश्ती, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, अनुविधा, तैराकी, जिम्नास्टिक आदि की ग्रामीण क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजन की जाती हैं। प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर महिला खेलकूद उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर, ठीक है, महिला खेलकूद उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें बिना किसी बंधन के सभी महिलाएं भाग ले सकती हैं। ठीक है, जिसमें बिना किसी बंधन के सभी महिलाएं भाग ले सकती हैं। अखाड़ों का संचालन, अब हम थर्ड नंबर देखते हैं अखाड़ों का संचालन। ग्रामीण क्षेत्रों में कुश्ती के लिए अखाड़ों का संचालन किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुश्ती के लिए अखाड़ों का संचालन किया जाता है।
प्रत्येक अखाड़ा संचालन को उचित मानदेय दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अखाड़ा संचालक को उचित मानदेय दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं हम, नवोदित खिलाड़ियों की प्रशिक्षण व्यवस्था। नवोदित खिलाड़ी के प्रशिक्षक हेतु वर्ष 1982 से 1983 में योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, नवोदित खिलाड़ियों के प्रशिक्षक हेतु वर्ष 1982 से 1983 में योजना प्रारंभ की गई। इसकी अवधि 20 दिन होती है। ठीक है, इसकी अवधि 20 दिन होती है। जिन खिलाड़ियों की उम्र 19 वर्ष होती है, जिन खिलाड़ियों की उम्र 19 वर्ष होती है एवं जिन्हें अंतर संभागीय प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है,